हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड ये तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है क्लीनिंग से। तो आज मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है क्योंकि वंश ने बेड पे इसने गिरा दिया। और बस मैंने अभी बेडशीट 2 दिन पहले ही चेंज करी थी, तो बस इसने काम बढ़ा दिया मेरा। और इसने मतलब दूध लिया था और पूरा दूध बेड पे गिरा दिया। तो चलिए उसको अब मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और नाइट में ये पी रहा था और मतलब इसने दूध गिरा दिया बेड पे, और मैंने अभी 2 दिन पहले ही चेंज किया था। तो चलिए बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, अपनी डस्टिंग करती हूँ और अपने आगे की क्लीनिंग करती हूँ। तो बस मॉर्निंग की शुरुआत बस इसी से होती है मेरी, डस्टिंग क्लीनिंग। बस ये ना हो तो फिर लाइफ भी में कुछ है ही नहीं। डस्टिंग क्लीनिंग, अगर हमारे घर की साफ़ सफाई ना हो तो फिर क्या है। एंड हमें घर की क्लीनिंग करके रखनी चाहिए, डस्टिंग करनी चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, इससे वाइब्रेशन भी अच्छे आते हैं। कहते हैं ना, अगर हम मतलब हम रहते हैं जहाँ पर, अगर वहाँ पर गंदगी ज़्यादा फैली हुई है या अस्त व्यस्त व्यवस्था है, मतलब कहने का मतलब सामान इधर से उधर रखा हुआ है, तो फिर पता है नेगेटिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। तो बस अपनी जगह पे सामान, अगर जहाँ पर उसका स्पेस है, जहाँ उसकी जगह है, वहाँ पर रखा रहे और घर क्लीन रहे। और इसमें ना सबसे बड़ा योगदान जो होता है ना, फैमिली मेंबर का होता है, क्योंकि इंडियन मॉम है ना, उनके लिए सब कुछ मतलब मैनेज करना, वैसे ही घर का इतना प्रेशर होता है, काम होता है, मतलब हम लोग तो करते ही है यार, बट ये है ना कि फैमिली का अगर योगदान होता है तो उस पर सोने पे सुहागा हो जाता है, अगर सब मेंबर इस चीज़ को समझे और अपनी जगह पे सारा सामान रखे जहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रखा है, तो इतना काम डेफिनेटली नहीं रहेगा। क्योंकि हमें जो ज़्यादा काम होता है ना, मॉर्निंग में सामान इधर से उधर पड़ा रहता है, बस उसको करना होता है। तो भाई इसमें मेरा जो बेटू है, मेरी बहुत हेल्प करता है, मतलब अपने से जितना हो पाता है वो मेरी बहुत हेल्प करता है, अपनी जगह पे सामान रखता है। इसके पापा भी करते हैं बहुत, वो भी बहुत हेल्प करते हैं। तो उन मतलब फैमिली का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। तो भाई इसमें मेरा बेटू और मेरे हस्बैंड जी काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी हद तक करते हैं। और मेरे बेटू भी इस चीज़ को समझता है कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो भाई मुझे मम्मा की हेल्प करनी है, और वो खुद भी आगे से बढ़कर मेरी हेल्प करता है। तो ये देखिए, चलिए एंड यहाँ पर मेरा किचन क्लीन हो गया है और यहाँ पर मैं बर्तन वॉश करने आ गई हूँ और सारे बर्तनों को वॉश करूँगी। एंड किचन क्लीन भी मेरा हो चुका है। और ये जो तवा है ना, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है क्योंकि इस पे पराठे मेरे ज़्यादा बनते हैं, तो इसको मैं अच्छे से, और इसका जो ऑयल होता है ना वो बस इस लिक्विड से ही जाता है, ये विम लिक्विड है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गिरा के फिर पत्थर से ऐसे ऐसे रगड़ देती हूँ, तो इससे काफ़ी क्लीन होता है, काफ़ी हद तक क्लीन हो जाता है। कभी कभी मेरा मन करता है यार ये तवा चेंज करके दूसरा तवा लाती हूँ, जो वैसा तवा होता है ना, तो वो बड़ा अच्छा लगता है देखने में यार, रोटी वोटी बन रही है उसमें, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ईजी है, इसके अकॉर्डिंग वो काफ़ी ईजी है यूज़ करने में। तो देखो मेरा मन कर रहा है, बट देखते हैं कब लाते हैं। और ये देखिए कुकर, ये कुकर, कुकर भी साफ़ करना हमारे लिए टास्क है। तो कुकर ये, एक तो ये हांडी शेप में है तो इसके अंदर तक हाथ पहुंचाना ना काफ़ी टफ हो जाता है, तो चलिए इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। एंड ये जो कुकर है ना, कुकर के किनारे ना थोड़ी सी काली सी जम जाती है, इसको मेरे को टाइम निकाल के इसको भी अच्छे से क्लीन करना है। जैसे कि ये जब हम कुकर को उल्टा पलटेंगे तो ये देख रहे हैं आप, ये गोल सा राउंड सा बना हुआ है, इसमें काली काली सी है। और इसको मैं इस चूने से मैं क्लीन करती हूँ ना तो नहीं हो पाता जितना मुझे चाहिए। मैं सोच रही हूँ ये काफ़ी मतलब एकदम क्लियर हो जाए, तो उसका भी मैं उपाय ढूंढूंगी कैसे करना है मुझे। तो एक दिन इसको भी मैं साफ़ करूंगी टाइम निकाल के। तो आज तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया था ये काम करते करते, तो चलिए मैं ये बर्तन अपने एंड रियल मानिए, वेदर अभी बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत ठंडा हो रखा है, बहुत मतलब माइंड भी एकदम फ्रेश है और बॉडी भी मतलब फ्रेश है मेरी, मतलब ये हो रहा है कि एक्सेप्ट कर रही है इस वेदर को। और काम जो मैं करती थी तो बहुत लेजी लेजी
सा फील होता था, तो मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ अब ये जो काम कर रही हूँ ना, तो काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि आज यही बर्तन मुझे वॉश करना बहुत भारी लगता था, बट आज मैं ये बर्तन वॉश कर रही हूँ तो बहुत हैप्पी हैप्पी कर रही हूँ, और क्योंकि कोई गर्मी नहीं लग रही मुझे, तो बस मज़ा आ गया आज बर्तन वॉश करके। और मुझे लग रहा है कि जल्दी से भाई जल्दी से मेरा ठंड वाला वेदर आ जाए, बस मज़ा आ जाए, तो मुझे काम करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट गर्मी में मेरी जान निकल जाती है, क्योंकि एकदम ना गर्मी में काम करो तो घबराहट सी होने लग जाती है। ये होता है कि जल्दी से काम ख़त्म करो, बस किचन से हम जल्दी से काम करके फिनिश करके हटे, तो बस वेदर बहुत अच्छा हो रखा है और अभी हर काम में मन लग रहा है करने का, तो और काम करना ही है। यहाँ पर देखिए मैंने ना मशीन लगा रखी है, यहाँ मेरे कपड़े वॉश हो रहे हैं साथ के साथ, और साथ के साथ मैं दूसरा काम भी कर रही हूँ, तो यहाँ मेरी मशीन लगी हुई है। डब्बा है, इसे वॉश करना है क्योंकि घी ख़त्म हो गया, तो इसको यहाँ रख देते हैं, अभी वॉश कर देते हैं। बर्तन वगैरह भी वॉश हो चुका है, एंड ये थोड़ा बहुत बेकरी मतलब राशन ख़त्म हो रहा था, थोड़ा बहुत सामान आया है एंड थोड़ा बहुत बाकी है, तो बस इसको हम लगा लेंगे अभी। तो मैं जा रही हूँ पोछा लगाने के लिए, और ये किचन मेरा क्लीन हो चुका है, तो बस ये सामान अभी मुझे लगाना है। एंड यहाँ पर मेरा पोछा भी लग चुका है, एंड यहाँ मेरा पोछा लग रहा है, एंड इसके बाद ऑलमोस्ट काम मेरा डन है। इसके बाद मुझे नहाना है, एंड मेरे बेटू ने बर्तन जो मैंने वॉश करे थे तो उसने बोला मैं रख रहा हूँ, मम्मा आप नहा लो, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था मुझे, 1:30 के अराउंड हो चुका था, तो बहुत टाइम हो चुका था और हमें लंच भी करना था, तो उसने बोला मुझे कि आप नहा लो, तो यार बहुत हेल्प कर देता है मेरा, मतलब समझ लीजिए एक हाथ है ये, और काफ़ी हेल्प करता है। और ना घर की जो वैसे भी क्लीनिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, अगर हम आपके साथ छोटी छोटी चीज़ भी शेयर करें ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए। पैसे भी आ गई हूँ, वहाँ पर भी मैंने ऊपर क्लीनिंग कर ली है। एंड यहाँ पर मेरे कटर है ना ये थोड़े से बिगड़ रहे थे, तो मैंने कहा इसको भी सेट कर देती हूँ, और बस इसके बाद मैं नहाने के लिए निकलती हूँ। मैं नहाने ही जा रही थी बट ये मुझे कटर नज़र आ गया, तो मैंने कहा इसको भी हाथों हाथ सही कर लेती हूँ। तो एक आध दिन से नज़र जा रही थी, कोई चीज़ हमारी सीधी स्ट्रेट होती है थोड़ी टेढ़ी वेढ़ी हो जाती है तो नज़र बार बार वहीं जाती है, तो दो दिन से ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ, तो मैंने कहा चलिए ठीक है आज। एंड यहाँ पर वंश अपनी स्टडी कर रहा है, और जो समर हॉलीडे मिला हुआ है ना इन लोगों को, होमवर्क तो वही कर रहा है, और बहुत सारा होमवर्क मिला है इनका, तो समर वेकेशन इसी में चला जाएगा, समर हॉलीडे इसी में चला जाएगा, सही है। और ये मैंने बेडशीट भी अपनी यहाँ लगा लिया, तो वंश को अगर स्टडी करनी होती ना तो बस ये लैम्प वाली लाइट जला लेता है, तो बस हो जाती है, जिससे कि फिर यहाँ डिस्टर्ब नहीं होता बेड पे। और एंड ये देखिए मैंने बेडशीट लगा ली है, तो चलिए, और ना टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 1:30 का टाइम हो गया है, तो मैं आराम करती हूँ। आज बहुत सारा काम करा है मैंने, बहुत सारा, और आज काम करते करते मॉर्निंग से 1:30 हो गया, और मैंने लंच कर लिया है, अब बस बेड पे जा रही हूँ, रेस्ट करती हूँ, और काफ़ी टायर्ड भी हो गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हाँ ये बेटा नीम का लीफ है, ये नीम का पीपल का है ना, हाँ पीपल का है, और कल लाए थे देख रहे हो फ्रेंड, एकदम ड्राई हो गया, ये ड्राई चाहिए, हाँ ड्राई चाहिए, चलो कर लो अपना, ठीक है। और ये उसका है ना मैंगो, हाँ ये मैंगो का है, ये मैंगो लीफ है, और ये उसका है ना वो लेमन का, हाँ लेमन है ये, ठीक है कर लो।